जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल तगड़ा फौजी पे। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हमारे जो है CRPF संभव एप्लीकेशन के जो है कैसे इंस्टॉल करके इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और इसका फीचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर से हम लोग को सबसे पहले जो है CRPF संभव एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो मैं लिख लेता हूँ CRPF संभव, CRPF संभव। इसके बाद सर्च में दूंगा। इसके बाद ये जो सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन है CRPF संभव, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ऐसा लोगो रहेगा। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत ही फ़ायदेमंद एप्लीकेशन है हमारे CRPF के लिए। तो इसको जो है कैसे रजिस्ट्रेशन करता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हम सब सीखेंगे सब मिलकर। ठीक है, इसका मेन मेन फीचर क्या है, क्या क्या फैसिलिटी इसमें मिलता है, हम सब इसमें देखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा लगभग हो गया है, तो ओपन में क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसका मैं अलाउ कर देता हूँ। अच्छा, इधर देखिए सेल्फ और डिपेंडेंट, तो मैं सेल्फ सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इधर आता है सिलेक्ट यूनिट, इसके बाद फोर्स नंबर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो सिलेक्ट यूनिट में आपका जिस बटालियन में हो आप पोस्टेड, उस बटालियन का नाम देना है, नहीं तो कोई ट्रेनिंग सेंटर हो तो ट्रेनिंग सेंटर, GC हो तो GC, इधर पूरा जो है पूरा रहेगा इधर। ठीक है, RF बटालियन हो तो RF, ठीक है, कोबरा हो तो कोबरा, ठीक है, एक ओबरा भी है। ठीक है, इधर VIP बटालियन सब है इधर, सिग्नल बटालियन, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर, RTC, CTC सब जो है इसमें है। तो मैं सिंपली मेरा बटालियन डाल देता हूँ। ठीक, मेरा यूनिट बटालियन, इसके बाद फोर्स नंबर और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है एक OTP आएगा। ठीक है, CRPF की भर्ती के टाइम जो नंबर दिया उस नंबर पे OTP आएगा, तो मैं OTP डाल देता हूँ 783197। ठीक है, इसके बाद पासवर्ड बनाने की बोल रहा है, तो पासवर्ड मैं बना देता हूँ। ठीक है, इसका एक नया फैसिलिटी आया है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसका ऑफ है, मैं ऑन कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप अपना फिंगरप्रिंट या फिर फेस लॉक से भी आप मोबाइल जैसे अनलॉक करते हो, ये एप्लीकेशन भी अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देता हूँ, OTP और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और ये बायोमेट्रिक ऑन करके मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अभी देखिए हमारा जो है, देखिए OTP वेरीफाइड रजिस्टर सक्सेसफुल। ठीक है, अभी हम लोग लेट्स गो करते हैं। लेट्स गो करने के फिर अभी इधर मोबाइल नंबर और पासवर्ड, ठीक है, तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड से पहले खोल लेता हूँ हम लोग। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा MPIN हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं। MPIN लगभग हो गया होगा, ये देखिए फिंगरप्रिंट से जो है खुल रहा है। ठीक है, फिंगरप्रिंट से ही खुल रहा है, आप जो है बायोमेट्रिक यदि ऑन करेंगे तो फिंगरप्रिंट से खुल जाएगा। इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन जब खुल जाएगा, तब इसमें अपना पे स्लिप देख सकते हो, हर महीने का कितना सैलरी आता है वो देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका प्रोफाइल देख सकते हो, आपका डिपेंडेंट का नाम देख सकते हो, आपका NOK का नाम देख सकते हो, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, बैंक का डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब जो है इस एप्लीकेशन पे देख सकते हो। एक एक करके मैं हम सब देखते हैं। इधर 3 लाइन पे क्लिक करना है, 3 लाइन पे क्लिक करते ही आपको इधर प्रोफाइल, मंथली सैलरी, इधर मंथली सैलरी हो तो मंथली सैलरी सिलेक्ट करना है, और इधर आपको मंथ सिलेक्ट करना है, इधर सिलेक्ट ईयर एंड मंथ, इधर मंथ ऐसे सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, पिछले महीने का है तो पिछले महीने का दिखाएगा। ठीक है, आपको जो है सैलरी आ जाएगा। इसके बाद 3 लाइन पे क्लिक करना है, इधर जो है प्रोफाइल दिखाएगा। ठीक है, ये देखिए प्रोफाइल में जो है, देखिए मेरा नाम आ गया। ठीक है, इधर प्रोफाइल, इधर डिपेंडेंट नेम, लीव डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, इधर पूरा आपका जो है रहेगा, मेडल, प्रमोशन, आपको ट्रांसफ़र डिटेल्स, ये भी सब मिलेगा। आपका PIS जो डाटा है, PIS डाटा भी संभव एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है कोई भी यदि आपका
सीए चिल्ड्रेन एडुकेशन अलाउंस कुछ भी यदि सेंक्शन होता है तो ट्रांसफर टी ये सब सेंक्शन होते हैं तो इधर ऑर्डर पे आपका रहेगा, ठीक है, ऑर्डर पे आपका रहेगा। सेक्शन सिलेक्ट ऑल पे देंगे तो सब आ जाएगा, जो आपका क्या क्या जो है एचआर है, रिक्स अलाउंस ये सब वगैरह यदि लगता है तो आपका जो है इधर दिखाएगा, ठीक है। ऑर्डर पे बिल होगा तो आपका कोई ट्रांसफर टी है, फिर फ्लाइट का टिकट का क्लेम या फिर कुछ मेडिकल क्लेम यदि किए हो तो बिल पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा इसके बाद और देख लेते इसके फीचर, आप इसमें इनकम टैक्स असेसमेंट इनकम टैक्स कितना काटा है वो भी देख सकते हो अपना, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है आपका ट्रांसफर डिटेल्स, आप यदि ट्रांसफर में आते हो तो ट्रांसफर डिटेल्स इधर रहेगा, लीव स्टेटस इधर जो छुट्टी का बैलेंस है वो भी देख सकते हो कितना काटे हो वो भी इधर देख सकते हो, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है हमारे CRPF के लिए बहुत सबसे फ़ायदेमंद एप्लीकेशन है, ठीक है। ये इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या फैसिलिटी है वो सब हम लोग जान लिया इस वीडियो पे। तो वीडियो को जो है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पे और नई इन्फॉर्मेशन लेके, तब तक मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।